हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है आपका। इसमें बात करेंगे हम लोग कार्यकारी महिलाओं से संबंधित मुद्दे। तो इसमें देखेंगे क्या क्या रेट किस संदर्भ में दिया गया है, वर्तमान स्थिति क्या है इसमें, और प्रतिबंध या रुकावटें क्या है उसे भी देख लेंगे, और सरकार द्वारा जो उठाए गए कदम हैं उन्हें भी देख लेंगे, और आगे क्या करना चाहिए, इसके लाभ क्या होंगे, इन्हें भी देख लेंगे। लगभग लगभग सभी पक्षों को हम लोग जान लेंगे इसमें। मार्केट रिसर्च के शोध से पता चला है कि भारत में 160 सबसे बड़ी कंपनियों में महिलाएं केवल 6% यानी 6% कंपनियों में ही बोर्ड चेयर पोजीशन पर हैं। मार्केट रिसर्चर्स की सोच से पता चलता है कि भारत में जो 160 सबसे बड़ी कंपनियां हैं इनमें महिलाएं केवल 6% कंपनियों में ही बोर्ड चेयर पोजीशन पर हैं। वर्तमान स्थिति देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को दर्शाने वाले कई संकेत तक सही दिशा में आगे बढ़े हैं। महिलाओं की एजेंसी दृष्टिकोण और परिणामों से संबंधित 17 संकेतकों में से 14 में समय के साथ सुधार हुआ है। उनमें से 7 पर सुधार भारत के समान विकास के स्तर पर देशों के बराबर है। हालांकि शिक्षा के बढ़ते स्तर और घटती प्रजनन दर के बावजूद एक गिरती महिला श्रम बल भागीदारी दर चिंताजनक प्रवृत्ति के रूप में सामने आई है। वर्तमान महिला कार्य भागीदारी दर 23 यानी कि 23.7%, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 26.7% और शहरी क्षेत्रों में 16.2% है। ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट की प्रवृत्ति विशेष रूप से मजबूत है, जहां वर्ष 2004-05 में 49.7% से घटकर 2015-16 में 26.7% हो गई है। अखिल भारतीय स्तर पर महिलाएं मुख्य रूप से बड़े अनौपचारिक क्षेत्र तक ही सीमित हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि अगर महिलाएं पुरुषों की तरह औपचारिक काम करती हैं तो भारत को 1.4% जीडीपी ग्रोथ का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। भारत में औसतन 12% पुरुषों की तुलना में 60% महिलाओं का काम आवेदने के जो केयर इकोनॉमी का हिस्सा है। ठीक है, बात करते हैं प्रतिबंध या रुकावटें क्या हैं। महिलाओं की श्रम शक्ति की भागीदारी, लिंग वेतन अंतर, सामाजिक सुरक्षा की कमी के साथ अनौपचारिक कार्यों की उच्च दर को भारत में लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लक्ष्य के लिए बाधा के रूप में आज भी उपस्थित है। कार्यबल में महिलाओं की कम संख्या के लिए सांस्कृतिक कारणों से लेकर सुरक्षा मुद्दों तक कई कारण हैं। हालांकि सबसे सामान्य कारणों में कुछ आपके हैं, जैसे कार्यबल की दूरी की बाधाएं, काम के घंटों में अनम्यता, क्रेच की उपलब्धता की कमी, सुरक्षा आदि महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में सर्वप्रमुख बाधा है। अंशकालिक कार्य के लिए अवसरों की अनुपस्थिति और कार्यबल में पुनः प्रवेश में उत्पन्न चुनौतियां महिलाओं की स्थिति और खराब करती हैं। महिलाओं के काम में ज्यादातर आदेश आवेदनिक कार्य शामिल हैं, जिन्हें आप लोग केयर इकोनॉमी कहा जाता है। कार्यबल में महिलाओं की संख्या में गिरावट का मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं द्वारा गिरावट को दर्शाता है। ऐसा कृषि क्षेत्र के घटने के कारण कृषि क्षेत्र में गिरावट के कारण उत्पन्न रोजगार की क्षति को अवशोषित करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र पर्याप्त मजबूत नहीं हुआ है। स्मार्ट शहर सुरक्षित विकल्प जो महिलाओं को प्रोत्साहन देने में प्रोत्साहन हेतु सक्षम बनाती है। महिलाएं शहरी स्थानों में काम करने के लिए विकल्पों पर अधिक ध्यान देती हैं। इस प्रकार के स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर
विकल्पों की कमी कार्यबल में महिलाओं की संख्या में ह्रास हेतु एक कारण है। महिलाओं को अक्सर लिंग आधारित रूढ़ियों के कारण भूमिकाओं और पदों को आगे आगे बढ़ाने या दर्ज करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है, जैसे कि सेना में युद्ध की स्थिति में या कारखाने की नौकरियां जिसे जिन्हें पुरुष प्रधान माना जाता है। जब पुरुष परिवार की कमाई और देखभाल करने की अच्छी स्थिति में होता है तो महिलाओं को आमतौर पर काम करने के लिए प्रोत्साहन प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। इस प्रकार काम करने वाली महिलाओं का विचार केवल परिवार के समर्थन के लिए पुरुषों प्रधान की क्षमता के संदर्भ में, महिलाओं को भी अपने पुरुष समकक्षों के रूप में दुगना प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें घर परिवार और कार्यस्थल में संतुलन स्थापित करना होता है। यह कार्यस्थल की स्थिति को महिलाओं के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण बना देता है, जिससे वे अपनी नौकरी से बाहर हो जाते हैं। रोजगार सारणी आकस्मिक और नियमित वेतनभोगी संगठित या असंगठित क्षेत्र और स्थान शहरी और ग्रामीण के बावजूद भारत में महिला श्रमिकों को कम मजदूरी दर का भुगतान किया जाता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न भी इस पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव डालता है। बात करते हैं सरकार द्वारा उठाए गए कदम। भारत सरकार ने देश भर में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पहल की हैं। सरकार ने लैंगिक समानता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनमें आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शामिल है। सरकार ने मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के तहत प्रदत्त मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह के बजाय 26 सप्ताह तक बढ़ा दी है। पहले 12 सप्ताह थी लेकिन इसे अब 26 सप्ताह कर दी गई है। इसमें अन्य प्रावधान भी है जिनमें महिलाओं के लिए काम करना आसान हो सकता है। श्रम मंत्रालय द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के तहत विशेषकर यात्रा के लिए महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में पहल किया है। रात देर से काम करने वाली महिलाओं के लिए पिक और ड्रॉप सुविधा, कामकाजी महिलाओं के लिए सक्षम वातावरण बनाने के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा बनाने में मदद करेगी। यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स या कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। बात करते हैं क्या करना चाहिए। निम्नलिखित स्तर पर महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कानून और नीतियों के लिए लिंग संवेदनशील सोच सुनिश्चित करना है। अलग अलग जीवन चरण, एकल महिला, विवाहित महिला, युवा माताएं और महिलाएं एक ब्रेक के बाद कार्यबल में फिर से प्रवेश करती हैं। शिक्षा के स्तर, निरक्षर, स्कूल शिक्षित, व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित, कॉलेज स्नातक, पेशेवर। भौगोलिक असमानता, ग्रामीण, शहरी, कस्बे, फेरी शहरी और दूरस्थ स्थान और हाशिए एसटीएससी ओबीसी आदि। एकल माताएं, विधवाओं, बेघर महिलाओं और महिलाओं के साथ विशेष आवश्यकता वाले समूह और विकलांग महिलाएं। दूसरा है महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने और लिंग इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए विधिक ढांचे को मजबूत करना है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए सेल्फ विधान, लैंगिक संवेदनशील प्रावधानों जैसे कि गोपनीयता, न्यूनतम मजदूरी, मातृत्व लाभ, अवकाश और शिकायत निवारण तक एक विधिक ढांचे को सुनिश्चित करना। अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण
अधिनियम जैसे अनिवार्य कानूनों के कार्यान्वयन के लिए तंत्र सुनिश्चित करें, उदार कानून दिशा निर्देश बनाएं जो महिलाओं को एक अंतराल के उपरांत कार्यबल में फिर से प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, समान अवसर नीतियों विकसित करना और उन्हें लागू करना, सूचना शिक्षा और संचार अभियानों के माध्यम से एक समान बाल लिंग अनुपात वाले गांव जिलों को पुरस्कृत करना। तीसरा है प्रमुख संकेतक पर लिंग विच्छेदित डेटा और रैंक उत्पन्न करना। महिला और बाल विकास मंत्रालय के भीतर एक समर्पित इकाई स्थापित करना। इकाई को डेटा एकत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्पष्ट रूप से परिभाषित लिंग लक्ष्य पर अन्य मंत्रालयों के साथ नियमित रूप से समीक्षा करना, जैसे कि पोषण अभियान के तहत किशोर लड़कियों और महिलाओं में एनीमिया की दर कम करना, महिला कल्याण के लिए इष्टतम बजटीय संसाधन सुनिश्चित करना, लिंग आधारित बजट की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। इस इकाई की स्थापना में रवांडा जेंडर मॉनिटरिंग ऑफिस और फिनलैंड जेंडर इक्वलिटी यूनिट जैसे देशों में समान संस्थागत व्यवस्था से प्रेरणा लिया जा सकता है। राज्य सरकार को राज्य स्तर पर इसी तरह की इकाइयां स्थापित करनी चाहिए। प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से लिंग असमान डेटा उत्पन्न करने के लिए डेटा सिस्टम में सुधार, वास्तविक समय में जानकारी प्राप्त जानकारी का पता लगाना। चौथा है उद्योग और उद्यम में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। महिलाओं के रोजगार के लिए सेक्टर उद्योग विशिष्ट लक्ष्य विकसित करना और कंपनियों द्वारा उनके कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना। महिला उद्यमियों द्वारा ऋण तक पहुंच बढ़ाने की प्राथमिकता के आधार पर नीतियां और दिशा निर्देश बनाएं, सुगम साख प्रदान करना। अब इसके लाभ क्या होंगे उन्हें भी देख लेते हैं। आर्थिक लाभ, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 2025 तक 234 मिलियन लोग भारतीय कार्यबल में शामिल होंगे। भारतीय संदर्भ में जेंडर पैरिटी अधिक महत्वपूर्ण है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के 10% बढ़ने से 2025 तक भारत की GDP 777 बिलियन डॉलर बढ़ जाएगी, जो भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगी। सामाजिक लाभ क्या है? कार्य स्थल पर महिलाओं को शामिल करना कई लाभ प्रदान करता है। कॉरपोरेट दृष्टि से कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने से किसी विशेष समस्या या मुद्दे पर एक अलग दृष्टिकोण की उपलब्धता होती है। महिलाओं के लिए रोजगार से लैंगिक अंतराल भी संतुलित होता है तथा साथ ही साथ महिलाओं को सशक्त बनाता है। यह समग्र रूप से परिवार के जीवन स्तर को भी बढ़ाता है। महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी बढ़ने से सामाजिक व आर्थिक दोनों लाभ हैं तथा यह कहीं ना कहीं परिवार नामक संस्था के लिए भी हितकारी है। यह आर्थिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय के प्रति प्राप्ति में सहायक है, अतः इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने की आवश्यकता है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको इसमें सभी कार्यबल कार्यकारी महिलाओं से संबंधित जो भी आपके मुद्दे थे सभी समझ में आ गए होंगे। ठीक है।